क्योंकि पहली एक्सरसाइज में जितनी हमें नीड थी उस सारी नीड को हमने पूरा कर लिया। वो है हमारी एक्सरसाइज हमारा है 12.1। 12.1 क्या कहता है इसको भी थोड़ा जानने की जरूरत है। क्वेश्चन वन कह रहा है कि लिखा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। इसमें दो रेडियस दिया गया है, पहला रेडियस दिया गया है R1 और दूसरा रेडियस है R2। तो R1 की वैल्यू हमारी जो दी गई है दैट इज 19 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है हमारा 9 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। अब मान लीजिए हमें जो है कैपिटल ये जो हमारा सर्कमफेरेंस लेटर ये हमारा जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जो बड़े का सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो है 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब हमने यहाँ पर देखा कि दोनों साइड में 2 पाई पाई हमारी हो गई, तो ये R इक्वल टू R1 प्लस का R2 हो गया। तो रेडियस हमारी हो जाएगी 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर अगर मुझे कोई सर्कल चाहिए तो उसका जो है रेडियस क्या होना चाहिए 28, क्योंकि दोनों साइड में हमारे पास यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है। 2 पाई कॉमन लेकर के इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है आसानी से आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 क्या कहता है उसको भी थोड़ा जानने की समझने की जरूरत है। कहा गया है कि द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। यहां पर भी क्या किया गया है, ये क्वेश्चन सर्कमफेरेंस से रिलेटेड था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एरिया से रिलेटेड है। तो यहां पर भी हम बात करते हैं R1 इज इक्वल टू द फर्स्ट रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर। सेकेंड रेडियस R2 इज इक्वल टू, R2 हमारा कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों साइड से पाई को हम कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंप्लाइज दैट R की वैल्यू हमारे पास दी गई है। अब हम लिखते हैं इसमें कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस का 10 That is equal to R equal to 10 सेंटीमीटर। वह जो है सर्कल जिसकी एरिया इन दोनों रेडियस वाली ये सर्कल की एरिया के सम के बराबर होगा, तो हम जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। Now students, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझेंगे, और क्योंकि जब काम बच्चों को समझ में आ जाए तो उसमें केवल जो है हम उन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको प्रिंट करवाएं ये भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको एक बार समझ में जो चीज आ जाए तो हमें केवल उसे आगे बढ़ाना, हमें आपको सोल्यूशन देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है आपको चीजों को समझाना है जिससे आप खुद से भी उसका सोल्यूशन कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है।